আমার গান শুনে যান ওগো বাবু, সুখের সংসারে আমি এখন শুকনো পাতা, কখন যাব পড়ে আমি কখন যাব পড়ে। तो अगर किसी ने कहा है कि आपको आपका काम ही खोज निकालेगी तो गलत नहीं कहा है। समय का चक्र भी कुछ ऐसा घुमा कि जो आज तक सिर्फ कागज के रंग बिरंगी राग और तालों में सिमटा हुआ था, आज उसे भी कायनात खोज रही है। वह कभी भी क्या कोने में बैठा सोच रहा होगा कि यह ईश्वर की कैसी माया है। उस हाल में जो अवैतनिक रह गया था आज वह भी चुका दिया गया है। रतन काहर, वह अपने जैसे हजारों करोड़ों का चेहरा है जिसका कि तेज तो सूरज जैसा होता है पर उसका कभी उदय नहीं हो पाता है। तो कैसे हो यार? देखो, यह वीडियो कोई रिव्यू या एनालिसिस या रिएक्शन वीडियो नहीं है, यह कम्प्लीटली मेरे व्यूज है जिसको कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यह वीडियो कहाँ से शुरू करें? लास्ट के एक वीक में तो कितना कुछ हो गया है। बादशाह ने अपना सॉन्ग गेंदा फूल रिलीज करा और विद इन नो टाइम यह गाना ट्रेंडिंग पर आ भी गया है। सभी को गाना पसंद आ रहा था और स्पेशली गाने का वह बंगाली सैंपल पार्ट बोरोलोकर बेटी, जिसका कि कोई क्रेडिट ही नहीं दिया गया था। ऐसे में ऑडियंस दो तरफ बढ़ गई थी, एक जो बादशाह के फैन थे और उन्हें बस मतलब था तो गाना सुनने से, और दूसरे तरफ थे वह जो पूरे भरक गए थे कि गाने का सैंपल पार्ट जो कि पुराने बंगाली फोक सॉन्ग से लिया गया था तो उसके ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। और इन सभी में मैं भी दूसरे तरफ ही था, एंड आई बिलीव कि जो इस तरफ थे उन सभी ने अपने दम तक भरसक कोशिश करी कि गेंदा फूल के टीम तक ये बात पहुंचाई जाए। एज अ यूट्यूबर मीमर सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ट्विटर पे बादशाह को टैग भी किए जाने लगा। और इसी बीच इस गाने की ओरिजिनल लिरिसिस्ट का नाम सबको पता चला, वह बीरभूम के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले रतन काहर है। इस स्टोरी को कवर इन्फिनिटी वेव्स प्रोडक्शन ने करा था और सच कहूँ तो दुख हुआ देखकर एक आर्टिस्ट किस हालत में है। साबित हो गया था कि सरस्वती और लक्ष्मी शायद एक जगह कभी नहीं रह सकती। रतन काहर को हमने बोरोलोकर बेटिलो के पीछे की पूरी कहानी सुनाते हुए सुना, कैसे कई मशहूर आर्टिस्ट ने उन्हीं के गाने के मदद से कामयाबी के मंजिल को छुआ और कैसे उन्हें इस गाने के लिए कोई वेतन ही नहीं मिला था। रतन काहर के ऐसी हालत होने पर भी वह खुश है, या शायद सिर्फ खुश होने का दिखावा करते हैं। शायद इतने लोगों ने उनके विश्वास को तोड़ा है कि अब वो किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहते, और शायद कहीं हद तक यही कारण होगी कि जब गेंदा फूल के टीम ने उनकी मदद करनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने गाना गाने के साथ साथ कोई वेतन लेने से भी इनकार कर दिया। आर्टिस्ट तो कुछ ऐसे ही होते हैं ना, थोड़े स्वाभिमानी और थोड़े अभिमानी। रतन काहर को भी उस दिन उनके श्रम की तनख्वाह शायद ना मिला हो, पर आज कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनके श्रम का मोल दे दिया है। रतन काहर हमेशा ही बोरोलोकर बेटिलो के रचिता के हिसाब से ही जाने जाएंगे और हो सकता है हम उनकी आवाज और दूसरे किसी गाने में ना सुन पाए। दिल को भेद कर जाने वाली सिर्फ उनकी हालात नहीं है बट इस गाने के पीछे की मतलब भी उतनी ही मार्मिक है। यह सिर्फ एक फोक सॉन्ग नहीं बल्कि एक कविता है। बात यहाँ पर हो रही है उस लड़की की, लड़की जिसको कि उसके पति ने त्याग दिया है और वेश्यालय में बेच दिया गया है। वहाँ पर रहते रहते उसकी एक बेटी होती है और जब करीब उसकी उम्र 7 या 8 साल रहती है तब उसकी माँ अपनी बेटी की केस बांधते हुए सोच रही है कि उसकी बेटी किसी बड़े घर की लड़की होगी, उसकी बेटी उसके जैसे नहीं है। और इसीलिए गाना गाती हुए बताती है कि बोरोलोकर बेटी लो लंबा लंबा चूल एरोम माथा वेदे देवो लाल गेंदा फूल। इसके बाद वह अपने बारे में सोचती है और गाने की मदद से इस चीज को प्रकाशित करती है कि कैसे वह भी एक समय बड़े लोगों की तरह रहती थी और हुक्म देती थी, कैसे उसके जीवन में भी सब कुछ बढ़िया था पर सब अचानक से पलट गया। अब गाना सुनकर देखो, आप सुनने में कुछ अलग ही दर्द दिखेगा। मैंने कितनों को ऐसा कहते हुए सुना है कि लिरिक्स में क्या रखा हो, सुनने में अच्छा लगा बस और क्या चाहिए। मैं आपको नहीं समझा सकता कि और क्या चाहिए, पर कभी खुद बैठ कर सोचना कि लिरिक्स में और क्या चाहिए। कहने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है पर समय इजाजत नहीं देती है, पर बात यहाँ अधूरी रहती है और शायद कभी इस पद्य को भी पूरा करें। और एक बार फिर से अच्छा लगा कि बादशाह ने कल खुद ही लाइव आकर इस चीज को क्लियर करा कि उनको नहीं पता था कि इस बंगाली फोक सॉन्ग के ओनर जिंदा है और कौन है।
जो भी हो, अच्छा लगा कि उन्होंने और उनके लेबल ने कोशिश करी कि ओरिजिनल क्रिएटर की हेल्प करी जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब आख्यार।